Welcome back to Make Joke for You. This is Rehan. This is Sahil. For me, Fizan. So today we are going to watch Chinna Babu official Telugu trailer. Chinna Babu. मैं बता दूँ रील देखने से पहले कि ये भाई ये मूवी तमिल में भी रिलीज हुई है और शायद मलयालम में भी इसको डब किया गया है. मतलब एक साथ दो तीन लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं. और ये सूर्या जो वहाँ के बहुत फेमस एक्टर है सूर्या, तो उनकी ही मूवी है ये. मतलब और इसमें एक्टिंग कर रहे हैं जो लीड एक्टर है वो है करथी, जो कि इस तेलुगु मूवी और तमिल में भी काम किया उन्होंने, कि बहुत बड़े स्टार हैं. क्या बात है. तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे आगे. हियर वी गो. ఇప్పుడంతా బాగా చూపించేవాడు కదా బలవంతుడు, బలహీనత చూపించుకుంటూ ఉంటాడు చూడు, ఆడే బలవంతుడు. మా చిన్న బాబు వచ్చాడు, దమ్మున్న వాడు ఎవడైనా ఇప్పుడు రండిరా. ఓతే అరే యార్ ఏ కిసి కే దేఖా వాలా హిరోయిన్ కా భీ యూట్యూబ్ పే బహుత్ దిఖ్ రహా హై. మీరు ఊర్లో ఒక్కరు కాదు, ఊరే మీ ఒక్కరిది. అబ్బాయి గారి పేరేంటి? కృష్ణరాజు. రుద్రరాజు కొడుకు కృష్ణరాజు. ఒకటిగా ఉన్నట్టు నటించేస్తుంటారు, కానీ లోన్ రెండు పార్టీలు, ఒకటి ఈ పార్టీ, ఒకటి ఆ పార్టీ. ఎప్పటికైనా నా కుటుంబంలో అందరిని తీసుకొచ్చి ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకొని దాన్ని ఇంట్లో తగిలించాలి. ఆయన ఏంట్రా అంటే ఏదో స్కూల్ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి గ్రూప్ ఫోటో తీసేలాగా చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారు. ఇది జరగదు. నేను ఆ రోజు ఫుల్ బిజీ. ఆ విధం రాకూడదు. నన్ను అడిగితే వీళ్ళిద్దరూ రాకూడదు. నాన్నది చెప్పు, చిన్నప్పుడు ఎవరైనా లవ్ చేసావా? ఎవరిని పట్టుకుని ఎంత మాట అంటున్నావు? కూతుళ్ళు అక్క కూతుళ్ళు వస్తుంటారు నా ముఖానికి. పెద్దమ్మ కూతుళ్ళు, పిన్నమ్మ కూతుళ్ళు. అమ్మాయి మనవాళ్ళు, అబ్బాయి వేరే వాళ్ళు. కులం పెడతా ఓట్లు అడుకునేవాడు, కులం పెడతా వ్యాపారం చేసేవాడు, కుల గజ్జి ఉండకూడదు అంటున్నా ఆ కుల కోసం చచ్చేవాడు. పచ్చి అబద్ధం. మొత్తానికి ఓ రామాయణాన్ని ఓ మహాభారతాన్ని చూడబోతున్నాము. जब तक किसी साउथ इंडियन मूवी में एक्शन ना दिखे ना, तब समझ में नहीं आता कि ये साउथ इंडियन मूवी है. करेक्ट यार, एक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी इन साउथ इंडियन इंडस्ट्री. थोड़ा तो मांगता है. तो ओवरऑल देखा तो यही एक्शन मिला जिसकी उम्मीद थी. बहुत देर तक देख रहे थे, फैमिली ड्रामा चल रहा था. किसी विलेज पे बेस्ड मूवी है और फैमिली ड्रामा ही है. जिंदगी में देखी थी, पर वो एंड में नहीं भागते हैं सब बच के उनसे. वो जिंदगी की रेस रहती है, बेल की रेस थी. उनके आगे आ जाओ ना तो भाई छोड़ते नहीं. और उसको संभालना बहुत भारी होता है बैलगाड़ी, क्योंकि दो बैल रहते हैं और वो कभी भी अगर पगला गए ना तो फिर तुमसे क्या किसी. मतलब इस रेस में अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे ना तो तुम जिंदा रहोगे या नहीं कुछ पता नहीं, कोई नहीं दे सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा ट्रेलर था. और अगर ये थोड़ा सा हिंदी में आएगा ना तो ज़्यादा अच्छा. इसमें सबटाइटल्स भी नहीं थे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन बस इतना समझ में आया कि ये विलेज पर बेस्ड स्टोरी है. और विलेज में जिस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है वो सब इसमें दिखाया गया है. और अगर हम नहीं गैस कर पाए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइएगा, ताकि हम भी थोड़ा रिसर्च कर सकें. और हिंदी में जब रिलीज होगी तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट और देखेंगे. हिंदी ट्रेलर आएगा तो उसका रिएक्शन. तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं आजकल, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म थ्री ऐसा कुछ नाम था वो हिट हो गई है. मतलब यूट्यूब पे भी हिंदी में बहुत पसंद की जा रही है उनकी मूवी को. और सच में बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मैं खुद भी देख चुका हूँ पूरी मूवी. एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी थी उनकी. वो एक स्पाई मूवी थी, मतलब एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर इस टाइप की मूवी थी. तो बताऊँगा तुम्हें बाद में वीडियो के. तो अभी फिलहाल तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना. और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज देख पाएँ. सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेक लव नॉट वॉर.